नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है सद्भावना का संदेश फिर क्यों क्लेश। जी हां, देश के साथ प्रदेश भर में इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इन सबके बीच मंत्री गौतम टेंटवाल ने राजगढ़ में कलमा पढ़कर सद्भावना का संदेश दिया, जिस पर अब सियासी क्लेश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर बता रही है, तो बीजेपी मंत्री के सपोर्ट में है और उनसे सीख लेने की सलाह दे रही है। बीजेपी कह रही है कि वसुधैव कुटुंबकम का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि मंत्री ने तो कलमा पढ़कर सद्भावना का संदेश दिया, तो कांग्रेस इसे सियासी चश्मे से क्यों देख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी को घेर रही है? आज चर्चा इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए पहले यह रिपोर्ट। सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वभूमि गोपाल वसुदेव कुटुंबकम् लाइ लाइ लल्ला मोहम्मदे रसूल अल्लाह। सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति में सबका समावेश है। राजगढ़ में राज्य मंत्री गौतम टेंटवाल ने अजान के लिए अपना भाषण रोक कलमा क्या पड़ा, प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। यूं तो मंत्री टेंटवाल ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने के लिए ऐसा किया, उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान देने की बात कही, लेकिन अब इस पर सियासत गर्मा गई है, साथ ही उनका विरोध भी शुरू हो गया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी कलमा पढ़ने पर विरोध जता रहे हैं। उन्होंने भाषण रोकने के साथ कलमा पढ़ने को गलत बताया और गौतम टेंटवाल से माफी मांगने की मांग की। राज्य मंत्री गौतम टेंटवाल ने भूमि पूजन के कार्यक्रम में राजगढ़ में जो कलमा पढ़ा, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। बहुत अच्छी बात है, आप सारे धर्मों का सम्मान करिए, हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे जैसे हिंदूवादी लोग आपके लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए हिंदू समाज से माफी मांगे और इस पर विचार करें कि आपने क्या उचित कार्य किया है। अगर उचित कार्य किया है तो आपके बारे में भी हिंदू समाज की जनता विचार करेगी। हम इसका विरोध करते, आपने ठीक नहीं किया। अब गौतम टेंटवाल के कलमा पढ़ने का वीडियो सामने आया तो कांग्रेस ने भी इस पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने इसे दोहरा चरित्र बताते हुए कहा कि बीजेपी कभी बांटने की बात कहती है तो कभी वसुधैव कुटुंबकम की, लिहाजा वो तय कर ले कि वो किस तरफ है। तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और मंत्री के भाषण रोकने को सही बताया, साथ ही कहा कि लोगों को उनसे सीख लेना चाहिए, बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल में क्या है और बाहर क्या है ये सब जानते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ने की बात करती है, सभी धर्मों को लेकर चलने की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई की बात करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच तोड़ने की होती है, लड़ाई करवाने की होती है। अच्छा संदेश जनता के बीच में जा रहा है, इसमें कोई कोताही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीति और नियत स्पष्ट है, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। टेंटवाल जी भी हिंदू हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जिनका सम्मान हो रहा है वहाँ कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए इस देश में कि हमारा धार्मिक जुलूस निकलेगा तो फतराव होगा, उसकी आलोचना नहीं करेंगे। हमारा धार्मिक जुलूस निकलेगा तो उस पर गंदगी फेंकेंगे, उसकी आलोचना नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो फेंकते हैं, लेकिन जो उपद्रवी फेंकते हैं उनकी भी आलोचना नहीं होती। मुझे लगता है कि टेंटवाल जी ने जो किया है उससे उन लोगों को भी सीखना चाहिए जो उपद्रव करते हैं, और उनके नेताओं को भी सीखना चाहिए कि इस प्रकार के उपद्रवियों को रोकें, कानून के दायरे में लाएं। मुझे लगता है सद्भावना कायम करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। याद हो तो 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अजान के लिए अपना भाषण कुछ देर के लिए रोक दिया था। हालांकि गौतम टेंटवाल को लेकर बवाल इसलिए मचा क्योंकि उन्होंने कलमा पढ़ा, लेकिन यहां गौर करने वाली बात ये है कि मंत्री टेंटवाल ने ऐसा कर ये संदेश दे रहे थे कि सभी धर्मों का सम्मान करिए, यही हमारी संस्कृति है। लेकिन अब कांग्रेस इसे अलग रंग देकर भुनाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया। लोया जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हिमानी जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी हमसे जुड़ रहे हैं। शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हिमानी जी आपसे ही जानना चाहूँगा, हमने अभी बाइट सुनी, अभिनव बरोलिया जी की बाइट सुनी आपने, कांग्रेस को क्या आपत्ति है यदि ये मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री यदि कलमा भी पढ़ रहा है, वहाँ पर जो है वेद के सूत्र भी बता रहा है, वहाँ पर एकता का संदेश दे रहा है, भाईचारे का संदेश दे रहा है, तो फिर इस तरीके का भड़काऊ बयान आपके नेता क्यों देते हैं, क्यों उस पर आपत्ति दर्ज कराना? मुझे अभिनव बरोलिया जी के उसमें शायद बाइट में आपने ऐसी कोई चीज शायद नहीं दिखा पाया जिसमें उनको आपत्ति हुई हो, तो अगर आप मुझे वर्बली बता दें कि उनको क्या आपत्ति थी तो मैं शायद ज्यादा अच्छे से आपकी बात बरोलिया जी ये कह रहे थे कि आप शायद भूल गए प्रभु जी कि लोकेंद्र जी की उसके बाद बाइट थी। और मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी सवाल करूंगा हिमानी जी, उस पर भी सवाल करूंगा। खुद अंदर आंतरिक रूप से आपत्ति थी, बस बाहर से क्योंकि वो उन्हीं के मंत्री हैं तो उनको समर्थन करना जरूरी था। कांग्रेस पार्टी हमेशा वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बराबर मानती है, संविधान का जो मूल वो है उस पे उसका हम सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा काम किया। तो आपत्ति जहां भी हो रही है वो भारतीय जनता, और ये संस्कृति बचाओ मंच का जो आपने बाइट दिखाई वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। उन्होंने भी अपनी बाइट में बोला कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप हमारे विरुद्ध जा रहे हैं, आप कलमा पढ़ रहे हैं। तो वो लोग जो ये जिनकी बाइट अभी भी चल रही है ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते। कांग्रेस पार्टी इस तरह की चीजों के लिए हमेशा बाहें फैलाकर स्वागत करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो लोकेंद्र जी थे वो दबे छुपे शब्दों में खुद ही इसका विरोध कर गए। उसके बहुत सारे मायने, अभी डिबेट पूरी चलेगी तो आगे भी डिटेल में बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी को इन चीजों से कभी कोई आपत्ति नहीं होती, बस हाँ ये हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक जो चीज की उससे खुद भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमें क्या सिखाएंगे, हम तो हमेशा से इसी रास्ते पे चलते हैं, हमारे यहाँ तो हमेशा से इस तरह की ही संस्कृति को बढ़ावा देने की पैरवी करी जाती है कि सभी धर्मों का सम्मान हो। और खुद सनातन हिंदू होने के नाते मैं ही मानती हूँ कि हमारे धर्म का मूल उद्देश्य हमसे एक मिनट कोई बड़ा हो या कोई हमसे किसी भी चीज में ज्ञानी हो तो हम उसका सम्मान करें। हम तो दूसरे धर्मों का सम्मान करना हमारे धर्म का मूल ज्ञान है। चलिए ठीक है। लोया जी, हिमानी जी को भी आपके प्रवक्ता जो बाइट हम दिखाते हैं, लोकेंद्र पाराशर जी जो नेता हैं आपके प्रदेश मंत्री, उनके बयान पर आपत्ति है। मुझे भी उनका बयान जो ऐसा लगा कि उनने जो है चीज़ों को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभिनव बरोलिया जी पे उनने नहीं बोला। अभिनव बरोलिया जी ने लगभग वही बात कही कि बीजेपी का चेहरा सामने कुछ और होता है, काम कुछ और होता है, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि सरकार का मंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, सरकार का मंत्री किसी जाति धर्म का नहीं होता। यदि आपके मंत्री ऐसा काम कर रहे हैं तो आपसे जुड़े हुए लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है, क्यों दूसरी तरफ देखना? आपको तो तारीफ करना चाहिए, वाहवाही करना चाहिए कि बहुत अच्छा काम है, जो सरकार का काम है वही काम वो कर रहे हैं। नहीं देखिए प्रभु जी, कौन उसकी आलोचना कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं, किसी चीज को कोट करना और कलमा पढ़ना इन सब में बहुत फर्क है। मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के मित्र हिमानी जी यहाँ मौजूद हैं। हिमानी जी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कलमा छह होते हैं, ये कलमा की शुरू की लाइन है, इसको पहला कलमा कहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी सर्व धर्म संभाव में विश्वास रखती है, यो हमारा विचार है। वो सर्व धर्म संभाव का है कि हम सभी धर्मों के बारे में समान विचार रखें। और जो गौतम टेटवाल जी ने किया है वो भी कोई नयापन नहीं है। एक बात को ध्यान रखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कर चुके हैं कई बार, अटल जी ने ये कई बार किया है। तो हम इस बात को, हम सभी धर्मों का सम्मान करें और अपने धर्म का पालन करें। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ जब होती है जब आप कहती हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा परिवार एक कुटुंब है, तभी के हुक और हकूक बराबर हो, सबके हमारे जो हक हैं वो एक से हों, और वही पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बात करती है, वही पार्टी कई बार आप देखते हैं अभी तो आप वक्फ बोर्ड का भी समर्थन कर रहे हैं। तो यदि हम वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ये जो गौतम टेटवाल जी ने कहा है, और गौतम टेटवाल जी के पूरे बयान को भी सुना जाना चाहिए कि उन्होंने किस तरह वहां ये भी कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो दिखाया उन्होंने कहा है और उसको समझाया भी है कि हम तो वो है जो सम्मान करते हैं, और जो लोकेंद्र जी ने कहा उसमें क्या गलत है कि हम तो बिल्कुल निश्चित है कि सम्मान करते हैं, परंतु दूसरे लोग क्या करते हैं वो बड़ा चिंतन करने का विषय है। हमारा ये कहना है
कि हिंदू मुस्लिम परंपराओं का सम्मान करें, मगर मुसलमानों की भी जिम्मेवारी है कि वो इस देश की परंपराओं का सम्मान करें। और इस देश की परंपरा गीता है, इस देश की परंपरा गायत्री है, इस देश की परंपरा गंगा है, इस देश की परंपरा गौ है। तो ये जो परंपराएं हमारी हैं, इनका लोया जी आप तो फिर वहीं आ गए। लोया जी वो जो इस देश की परंपरा जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, क्या वो इस देश के निवासी नहीं? क्या वो जिस धर्म को मानते हैं वो परंपराएं जो कलमा आपके मंत्री ने पढ़ा आप उसको नहीं मानते? आप केवल जो मंत्री आप यहीं पे आ गए कि हमारी परंपरा गाय है। नहीं नहीं, मैं फिर से कहता हूं आपसे, किसने कहा? देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कलमा एक नहीं है, कलमा छह है। अरे ठीक है, एक कलमा पढ़ा उन्हें, कोई सा भी एक तो पढ़ा ना। नहीं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, या इलाही इल्लल्लाह जो उन्होंने पढ़ा है उसका मतलब होता है कि ईश्वर पूजनीय है और रसूल जो मोहम्मद हैं उनके रसूल हैं। ये पहला कलमा है और इस कलमे का मतलब है कि अल्लाह से एक है। हाँ ठीक है, ईश्वर एक है और मोहम्मद उनके वो पैगंबर, वो देश है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि ये समझने का विषय है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का एक मंत्री किसी दूसरे धर्म के आदर के लिए खड़ा हो जाता है। क्या इससे प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश के अन्य धर्मावलंबी भी इससे प्रेरणा लेंगे कि वो भी सर्वे भवंतु सुखिनाय की बात कर सकें? ये मंत्री जी ने दोनों बड़े स्पष्ट कर दिए। और हमारा कोई आचरण है और वो आचरण अच्छा है तो मुझे लगता है कि आप जनता को उसे अपनाना चाहिए। आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, आपका धर्म और संप्रदाय अलग हो सकता है, परंतु किसी दूसरे धर्म का सम्मान करने में तो पृथकता नहीं है ना। ठीक है लोया जी, हम जरा शुक्ला जी समझ लेते हैं। शुक्ला जी, लोया जी ने जो कहा कि दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, हमने देखा, हम लोग खबरें चलाते हैं, आप भी हमारी बिरादरी से जुड़े, आपने भी देखा होगा, जब जुलूस निकलता है तो मस्जिद आती है तो वहाँ पर जो है बाजे गाजे बंद हो जाते हैं, जब ताजिए निकलते हैं शोर शराबा मंदिर के सामने बंद हो जाता है। सम्मान की परंपरा एक दूसरे के धर्म के जो है जुलूसों में दूसरे धर्म के लोग भी शामिल होते हैं, हमने बहुत सारे जगह देखा है मध्य प्रदेश में, कई बार हम इसको हर साल आते हैं ये ऐसे अवसर दिखाते हैं। फिर ये क्यों इस तरीके का कि एक मंत्री के तौर पर बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी नेता के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ, एक मंत्री है जो सरकार का प्रतिनिधि, जो शपथ लेकर आया संविधान की कि सभी धर्मों का सम्मान करेगा, वो यदि वहाँ पर कलमा भी पढ़ लेता है, वो वेद का सूत्र भी पढ़ देता है, तो उसको लेकर बवाल कटने की बात हो रही है? ये अनावश्यक है। मुझे लगता है कि मंत्री जी का जो आचरण है उसे तो मैं कहूंगा कि आदर्श आचरण है। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है या जो हमारे संविधान की मूल में है उसमें भी ये देश जो है निरपेक्ष देश है और सभी धर्मों का आदर करना भी जो है हमारे धर्म, हमारा ही धर्म हमको सिखाता है, जैसे भी कह रहे थे सर्वधर्म संभाव जी। तो मुझे लगता है कि उनके जो उन्होंने किया है और उसके पहले प्रधानमंत्री का भी एक बाइट आपने भी दिखाई, हम लोग को भी पता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी रोक दिया, राहुल गांधी ने भी अभी 2023 में ही किया है तुमकुर में, बहुत सारे इंदिरा गांधी ने भी किया, बहुत सारे नेता हैं, अमित शाह ने भी किया, मतलब गिनती नहीं है। जहाँ पे भी ऐसे अजान की आवाज आती है नेता मंच पर भाषण रोक देते हैं, क्योंकि उनका तो वैसे ही वोट बैंक का मामला है, धार्मिक आस्था जो भी रही हो। बिल्कुल, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए हमारे देश में 90 के बाद की स्थिति आप देखिए, 90 के पहले तक जो है धर्म की राजनीतिक उपयोगिता तो नहीं समझ में आती थी किसी को, लेकिन जब आडवाणी जी एक रथ यात्रा लेकर निकलते हैं अयोध्या के लिए निकलते हैं और उसके बाद से बीपी सिंह की सरकार जाती है और उसके बाद का आप जितना भी परिदृश्य देखेंगे तो बहुत साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे जा रही थी जी। और कहीं ना कहीं उसकी थोड़ा बहुत कहीं कट्टरता भी दिखती थी, किस तरीके से उनका समर्पण दिखता था हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर, उसमें अयोध्या का भी मुद्दा शामिल था, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का भी मुद्दा शामिल था। और अभी आप देखिए जो महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए वहां पे तो बहुत साफ तौर पर ये जो है वो भी चला, नारा भी चला कि बटोगे तो कटोगे। तो एक तरफ ध्रुवीकरण है, हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण है, दूसरी तरफ तुष्टीकरण है। ये दोनों विचारधारा और इसके समर्थक पार्टियां भी हमारे देश में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पे ये ठप्पा लग गया है कि वो तुष्टीकरण का काम करती है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी में ये ठप्पा लग गया है कि हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर जो है वो आरएसएस का जो एक एजेंडा है उसको लागू करने के लिए वो कटिबद्ध है। लेकिन शुक्ला जी, मोदी भाईजान भी तो आते हैं जब चुनाव आता है तो वोट बैंक के लिए, और वो सरकार में रहने के बाद वो कोई मुस्लिमों के जो कल्याण की योजना है उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री आवास बंट रहा हो तो उसमें भी भेदभाव नहीं करते, लेकिन जब चुनाव आता है तो बटोगे तो कटोगे आ जाता है या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? एक उपयोगितावाद भी है, चुनाव में धर्म की, संप्रदाय की, जातियों की उपयोगिता बढ़ जाती है,
अभी आप देखिए कि जहां जिसकी उपयोगिता होती वहां उसको लेकर बातें होती हैं, उसी तरह का कैंडिडेट भी आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा जो है वो आरएसएस की विचारधारा से का अनुसरण करती है, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जिसपे अब तो बहुत मतलब आप ये देखिए कि अब वो कुछ छुपा के नहीं कर रहे हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं। अभी आप एक कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो जो रास्ते में जो दुकानें पड़ेंगी वहां पे कौन खाना बना रहा है वो किसका है, तो ये सब चीजें जो हो रही हैं इस देश में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सांप्रदायिकता का एक माहौल खराब हो रहा है, जो आपसी जो गंगा जामुनी जो एक तहजीब थी जिसकी संस्कृति को बचाने की अगर आप बात करते हैं तो वो संस्कृति तो धीरे धीरे कहीं विलोपित हो रही है। उसके बहुत सारे कारण है, उसके मूल में आप जाएंगे तो बहुत सारे कारण है। अतीत किस तरह से देश का बंटवारा होता है, किस तरीके से जो कुछ विदेशी आक्रांता आए थे उन्होंने किस तरह से हिंदू मंदिरों का नुकसान पहुंचाया था, हिंदू धर्म को खंडित करने की कोशिश की थी, तो वो एक जो तकलीफ है, वो जो एक पीड़ा है, वो पीड़ा का भी कहीं ना कहीं शायद वोट बैंक में भी तब्दील होती है, कहीं वोट का लालच उसमें दिखता है। जी आपने एक अच्छी बात कही शुक्ला जी, मैं जरा इनसे ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास जाऊंगा, हिमानी जी फिर उसके बाद आपके पास आता हूँ। लोहिया जी अभी जो है शुक्ला जी ने भी कहा कि भाई इस तरीके का जो भड़काऊ बयान देने वाली बात है, सांस्कृतिक अभ्युदय की बात करके जो है इस तरीके से बरगलाने की बात है, तो ये जो हम जो बाइट दिखा रहे थे चंद्रशेखर तिवारी जी की, वो कह रहे हैं कि हम आपकी पार्टी का काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आप ऐसी बात करो, तो ऐसे लोगों को पार्टी से निकालो ना, क्यों आप जब आपकी सरकार है और आपके लोग ऐसा कह रहे हैं तो या तो उनको रोको आप बंद कराओ। नहीं मैं देखिए मैं फिर से कहता हूँ इस बात को, आदरणीय शुक्ला जी की कई बातों से मैं बड़ी सहमति रखता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात शुक्ला जी ने एक जो कही है कि 1990 के दशक से जब आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली उसके पहले तक इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज अपने आप को पीड़ित और शोषित महसूस करता था। ऐसा तो हमने नहीं समझा, आपने भी नहीं समझा होगा, मुझे नहीं लगता शुक्ला जी ने भी समझा होगा। मैं बताता हूँ उसी दशक में देखिए साहित्य समाज हम भी उसी में पैदा हुए भारत आजाद होने के बाद। लोहिया जी प्रभु जी साहित्य और पत्रकार का दोनों अपने आप में इतिहास होते हैं, याद रखिएगा उस समय में ओमपाल सिंह निडर एक कवि हुआ करते थे, आपको याद होगा। तो एक कवि की कविता से पूरे देश का संदेश थोड़ी जाता है। मैं आपसे फिर मेरी बात है, किसी व्यक्ति के कहने से अगर देश नहीं चाहता तो मेरे कहने से भी नहीं चाहता, प्रभु जी आपके कहने से भी नहीं चाहता। मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि साहित्य हमें बताता है कि कब किस काल में किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी। अरे भाई साहब लोहिया जी आप पढ़े लिखे हो हमसे ज्यादा, पढ़े लिखे हो लोहिया जी, साहित्य हमेशा जो है जो राजा होता है उसके हिसाब से लिखा जाता है। अभी स्कूलों में आप देख लो आपने बदल दिया पाठ्यक्रम, इसके पहले वालों ने बदल दिया था। भैया प्रभु जी सुन तो ले, 1988 में ना हम राजा थे, ना हमारा राज था, ना हमारी सत्ता थी, ना हमारी सरकारें थी, हमारा तो कुछ नहीं था, हमारे दो सांसद लोग सभा में थे। लोहिया जी उसी पे आपने जो बोला उसी पे सवाल है, लोहिया जी आपने जो बोला उसी पे सवाल है मेरा। 1988 में क्या आप दबे कुचले थे, क्या आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे 1988 में, क्या आप दबे कुचले थे, क्या आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, जो आप कह रहे हो कि 1990 के पहले। मैं तो कह रहा हूँ आप सुन कहाँ रहे प्रभु जी। हाँ आपके मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूँ कि उस समय ओमपाल सिंह को ये लिखना पड़ा कि कभी नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ लोहिया जी, मुझे तो लगता है 1988 से आपका वजन 25-30 किलो बढ़ गया होगा। बोल लीजिए ना, मुझे काय के लिए जोड़ा है आपने प्रभु जी, यदि आपको ही बोलना था तो मुझे आपकी बात सुननी है। विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूँ, मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूँ प्रभु जी, जब आप मुझे सुनना नहीं चाहते, जब आप मुझे बार बार रोक रहे हैं, मेरी पार्टी का मत क्या है वो भी नहीं सुनना चाहते हैं, और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ आप एक लाइन पूरी नहीं होने दे रहे, एक लाइन समझ में। आपकी पार्टी का मत कभी का मत बोलिए, हिंदू की हिमायत यदि संप्रदायवाद है तो मुझको घमंड है कि मैं भी संप्रदायवादी हूँ, ये ओमपाल सिंह लिखता है 1988 में। समझ लीजिए क्या स्थितियां देश में थी, और जानते आप भी हैं, समझते आप भी हैं, परंतु ठीक है सबके अपने अपने कारण हैं। मैं मगर विनम्रता से कहता हूँ कि ये बड़ा विराट हिंदू समाज यदि सबका सम्मान करता है तो सबकी जिम्मेवारी है कि वो भी सभी का सम्मान करें। कहाँ अपमान हो रहा है हिमानी जी, बताइए कहीं अपमान कर रहे हैं आप लोग।
राम नवमी का जुलूस नहीं निकल पा रहा इस देश में, कहां कोई अपमान नहीं है, राम मंदिर का जुलूस नहीं है, कोई अपमान नहीं है प्रभु जी, कोई अपमान नहीं है। चलिए जरा हिमानी जी को सुन लेते हैं, लोया जी हिमानी जी को सुन लेते हैं। बताइए कभी हमने कभी किसी मंदिर से पत्थर फेंके हो ताजियों के जुलूस में, तो कैसी बात करते हैं आप प्रभु जी। आपको जोड़ के इतना बड़ा वो हो गया कि अब कोई और बोले नहीं, प्रभु जी भी नहीं बोले, मैं भी बोलू, मेरा टर्न आया। चलिए आप बोलिए बोलिए, हिमानी जी अपनी बात रखिए, नहीं बोलेंगे वो प्रभु जी तय करेंगे, हिमानी जी वो तय करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा, मगर मेरे बोलते में जो बोलेगा उसे मैं रोकूंगा। अरे मेरे मेरा नंबर आ गया है तो आप चुप हो तो ये बोलिए, ये बोल दी जी जी प्रभु जी। आपका प्रश्न ही नहीं किया उन्होंने, आपका नंबर ही आ गया हिमानी नहीं आ गया भाई साहब, लोया जी जरा शांत हो जाइए, उनका प्रश्न आ गया है। ये बताइए हिमानी जी, वो कह रहे हैं कि 1990 के पहले देश में हिंदू दबा कुचला था, सरवाइव नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है कि आपने भी उसके पहले शिक्षा प्राप्त की होगी, बहुत सारे लोगों ने भी प्राप्त की होगी जो आज सत्ता में, उनने भी 1988 के पहले शिक्षा प्राप्त की होगी, तब वो भी आजीविका कर रहे होंगे कहीं, तो दबे कुचले होते तो क्या यहाँ तक पहुँच पाते? आप बताइए कितना दबा के रखा था आपने कि लोग अब उनकी सरकार तीसरी बार आ गई। देखिए दबे कुछ नहीं, मुझे प्रश्न किया, हिमानी जी जवाब दे रही हैं, उत्तर आप कैसे देंगी, आप कैसे उत्तर देंगी? 1975 में देश के संविधान में छुपकर जोड़ दिया, छुपाकर जोड़ दिया गया कि ये देश, पढ़ लीजिए प्रीएम्बल, यानी अद्भुत देश है जिसमें 1975 से 77 में जोड़ दिया जाता है। अरे लोया जी सुन लीजिए, फिर मौका मिलेगा भाई बोलने का, बताइए सरकार आपकी है, लेकिन बोल तो लेने दीजिए, विपक्षी आवाज मत दबाइए, सुन लीजिए जी, बोलिए हिमानी जी। हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, और बहुत पीढ़ियों से लगातार जब से मेरे पूर्वज हैं तब से हिंदू मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं बृजगोपाल लोया जी, जिस तरह से हिंदू सनातनियों को दबाने की बात की जा रही है, तो मेरी आवाज मेरे नाम को भी अपनाना चाहते हैं, मेरा नाम खत्म कर देना चाहते हैं बृजगोपाल जी। तो इसी तरीके का स्टेटमेंट है जो इन्होंने दिया, जैसा मैंने अभी दिया है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उनकी बातों का भी कोई अर्थ नहीं था। मैं यही बताना चाहती हूँ, 1990 से पहले हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे पूर्वज भी यहाँ रहते थे और सभी यहाँ पढ़ते थे, और खुद इन्होंने जो 84 रह गई, जो 84 रह गई, हिमानी जी अब चर्चा होगी आपके, आप जिन पूर्वजों की बात कर रहे हैं वो 93% से घटकर 84% रह गए, उन्हीं पूर्वजों की बात कर रहे हैं ना। एक मिनट रुकिए लोया जी, आपकी भाजपा के जो पूर्वज है वो भी कांग्रेस से निकल कर ही आए थे, कोई अलग से नहीं आए थे किसी और दुनिया से, और मैं तो कह रहा हूँ जिनकी आप वकालत कर रही हैं उनके पुरखे भी हिंदू थे, जिनकी आप वकालत कर रही हैं उनके। अरे लोया जी सुन लीजिए, अरे नारी आरक्षण बिल पास किया आपकी सरकार ने, महिलाओं की बात सुन लीजिए लोया जी, नारी का सम्मान कीजिए भाई, बोल रही है हिमानी जी, सुन लीजिए। मैं फिर से कहता हूँ, किसी को कभी आप किसी को नारी बनाते हैं, कभी किसी को दलित, कभी किसी को शोषित, कभी किसी को पीड़ित, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, झूठ बोलने के लिए इन आडंबरों का प्रयोग बंद करिए। लोया जी शांति से सुन लीजिए, अच्छे से सुनिए भाई, आप भले व्यक्ति हैं, ये भाषा है, ये भाषा है जी, शांत रहिए, जिसे आप नारी कह रहे हैं, ये हम जैसे नारायणी कहते हैं उसकी ये भाषा है, भाषा है प्रभु जी, सुनिए जरूर। चलिए लोया जी, मुझे लोया जी ये बहस, इस बहस को हम यही विराम देते हैं, चूंकि मुद्दा तो है का मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि अब हमें इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देना होगा, समय की अपनी सीमा है। तो देखा आपने मुद्दा तो है, मैं जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एक मंत्री ने जिस तरीके से वहाँ पर सामाजिक सद्भावना का संदेश देने की कोशिश की, उसको लेकर राजनीतिक दलों में किस तरह का क्लेश पैदा हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का क्लेश ना हो, जो मंत्री की भावना है, जो सरकार की भावना है, देश में सभी मिलजुल कर रहे हैं। तो मुद्दा तो है बस इतना ही, आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।